फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से ओप्पो को डिवाइस में आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मेरे पास है ओप्पो A15 और इसमें आपको बताने वाला हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा सेटिंग में जाने के बाद, और यहाँ पे कहीं भी कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा आपको, इस पर क्लिक करना होगा डायल पैड पे, और जो भी नंबर हो आप यहाँ से रीसेंट कॉल से या फिर कॉन्टेक्ट जो सेव किया हो उस वाले नंबर से आप कैसे भी करके आप अपना कॉन्टेक्ट को कॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर केयर को मिला के दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर दिखाऊँगा कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में दो नंबर को करूँगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से चाहे तो कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से लाउड स्पीकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेम या फिर कोई और नंबर, जो भी जितने नंबर हैं मैं सेम डायल करके दिखाई दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे और भी मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही दूसरा वाला कॉल होल्ड पे चला गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे क्लिक करते ही ये मर्ज हो चुका है कॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल लिखा हुआ आ गया। इसी प्रकार से और भी मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 198 पे मैं कॉल कर देता हूँ, और ये दूसरा वाला दो कॉल भी होल्ड पे चला गया कॉन्फ्रेंस कॉल। फिर मर्ज पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कॉल को मर्ज कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपना कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे तीन लोग, मतलब तीन बार मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल कर दिया, ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं और किसी और नंबर को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल बवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।